और ये पूरा कमरा, पूरे कमरे में किताबें फैली पड़ी है। कब जाएगा ये सब? कुछ मत करो तुम, कुछ काम के नहीं हो तुम, बस खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। आ गया, ले कुछ खा ले और फिर पापा के पास दुकान चले जाना। मेरे को नहीं जाना दुकान। अच्छा तो क्या करेगा फिर दिन भर? मेरा मन नहीं लगता वहां पे। तो कहाँ मन लगता है तेरा? आलतू फालतू की किताबें पढ़ने में, नॉवेल पढ़ने में, कुछ नहीं मिलने वाला इन सब से। कुछ काम कर। मेरे को नहीं करना आपके काम। नहीं समझोगे आप मेरे को क्या करना है, क्या चाहिए मेरे को, आप नहीं समझ पाओगे। चिंता 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 चिता समान होती है। वो देख रहे हो उधर शमशान घाट, चिता समान होती है। आओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आप यहाँ अक्सर आते हैं? नहीं अक्सर तो नहीं, जब तुम्हारी तरह चीज़ों से मन उलट जाता है ना तो आ जाओ। आप कुछ कह रहे थे चिंता के बारे में?
मैं क्या कह रहा था, वो तो तुम सुन रहे थे। किस बात की चिंता? ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। लिखो लिखो, लिखना बहुत अच्छी बात होती है, पर चिंता है मत, बेफिक्रियां लिखो। बेफिक्रियां? आजकल चिंता पड़ता कौन है, और वैसे भी चिंता डिमोरलाइज करती है। अच्छा बताओ क्या लिख रहे हो? एक पोयम है। पोयम सुनेंगे आप? अगर फ्री में सुनाओगे तो जरूर सुनेंगे। आज कहना भी क्या होता मेरा, जैसे लफ्ज ही कहीं खो गए, जिंदगी की दौड़ में कहीं गुम से सब हो गए, हर खुशी इस जहान में इफ्तास ही हो गई, इन अश्कों की मेहनत भी बेकार सी हो गई, काश बह पाता मैं भी इस बहते पानी सा, नाकामी जिंदगी की हर बार सी हो गई, जीना भी तो यहाँ बेकार सा लगता है, हर सपना जैसे कुछ बीमार सा लगता है, जीने की चाह में मरता ही रहा मैं, दुआओं की मांग भी करता ही रहा मैं, अब खोना चाहता हूँ बस खुद में कहीं, जरा दर्द के परिंदों की दया हो जाए, थक गया हूँ अब लड़ने से भी, हो जाऊँ लापता जहाँ ये दिल भी सो जाए, हो जाऊँ लापता जहाँ ये दिल भी सो जाए। आ जाओ चलो, लिखते अच्छा हो, पर चिंता है क्यों? किस बात की चिंता है? घर परिवार, करियर व्यापार, लड़की प्यार, शायद सारी सारी। अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, सुनोगे? अगर आप फ्री में सुनाएंगे तो ज़रूर। कहानी है सूर्य देवता की। सूर्य देवता अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनकी पत्नी की हमेशा एक ही शिकायत होती थी कि प्रभु आप मुझे समय नहीं देते। सूर्य देवता हमेशा कहते थे कि मेरा काम ही ऐसा है ना, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, मैं जब तक सबको भोजन नहीं करा देता तब तक मैं फ्री होकर बैठ नहीं सकता। पत्नी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मेरे स्वयं के पति सारे प्राणी मात्र को भोजन कराते हैं, इसलिए उन्होंने बतौर सबूत एक डिबिया में एक दिन एक चींटी को बंद कर लिया। अगले दिन जब सूर्य देवता गए अपने काम पर, तो उनके आते ही उन्होंने उनके पैर दबाए, उन्हें पानी पिलाया, उसके बाद में उनसे पूछा कि प्रभु आज आपने सबको भोजन करा दिया? उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सबको भोजन करा दिया। पत्नी ने फिर पूछा, आपने सबको भोजन करा दिया है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सबको भोजन करा दिया। पत्नी ने कहा कि आपने सबको भोजन करा दिया पर इस चींटी को भोजन कराना भूल गए महाराज। प्रभु ने कहा कि देवी जब आप इस चींटी को अपनी डिबिया में बंद कर रही थी तो आपकी बिंदी में लगा एक चावल का दाना इसके ऊपर गिर गया था और इसने पूरे दिन भर वही खाया। अच्छा। चलो मतलब समझे तुम इसका? मतलब ये है कि वो है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। सब कुछ वही, सब कुछ, भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ, और तुम हो क्षणिक। क्षणिक पल भर का, खुशियां खुशियां क्षणिक की तो होती हैं, दुख तकलीफ समस्या ये सब निरंतर है। तुम खुशियां लिखो और लिखकर उन्हें निरंतर कर दो ताकि आगे आने वाले लोग उन्हें पढ़ सकें। अच्छा अभी चलो, ये बंदर बहुत थक गया है। क्या कहा आपने? बंदर? हाँ बंदर। बंदर एक और कहानी सुनोगे? ये भी छोटी है। ये वाकई छोटी है। एक बंदर सूखे की चिंता में अकेला ही रह गया। बहुत मस्ती करता था, बहुत उछल कूद करता था, बड़े बंदरों की बात भी नहीं मानता था। एक दिन मौसम बदला, सूखा आया, सब चले गए और वो सूखे की चिंता में अकेला ही रह गया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह इस घाट पर लिखने नहीं आता। Thank you.
अभी किताब रह गई है, पढ़ लेना, अच्छी किताब है। आज सीखा है मैंने कुछ नया, मैंने जीना सीखा है, इस पानी सा बहना सीखा है, बहकना सीखा है, छलकना सीखा है। ये कमाल की है जिंदगी, मदारी है, खेल दिखा दिया है, मैंने खेलना सीखा है। अब बढ़ना होगा मुझे आगे कहीं दूर इस दर्द से, जहां मैं लड़ूंगा, जहां मैं जीतूंगा, खुशी भी अब खुद ही ढूंढूंगा। अब बैठे हुए बहुत समय हो गया, अब चल ही लेता हूँ इस रास्ते पर।